नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेबिलिटी आ गई। आपने हमारी वीडियो देखी भी होगी कि ये लीगल है या इलीगल। अब दोस्तों, जब हमने ये वीडियो डाली तो हमारे पास फिर भी कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर मुझे ये बताइए कि क्या मुझे क्रिप्टो करेंसी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या रुकना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो में इसी सब के ऊपर बातचीत करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि भाई आपको क्या क्रिप्टो में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और आजकल आ रही है, आज ही बड़े एक हमारे भाई साहब हमारे वो कहते हैं कि यार इस समय क्रिप्टो बहुत नीचे गिरी हुई है, अब गिरे हुए को उठाना तो हमारी संस्कृति कहलाती है, तो उठाओ ना गिरे हुए को। जो क्रिप्टो के पैसा नीचे गिर गए हैं ना, इसी समय क्रिप्टो को खरीद ले और जब बढ़ जाएंगे तो बेच करके बाहर निकल जाएंगे। कोई बात ना, टैक्स देना है तो कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे ना। तो बिल्कुल सही कहते हैं वो भाई साहब हमारे, लेकिन आपको बताएं कि क्या अभी खरीदना सही है या कुछ देर रुक करके खरीदें या उस गिरे हुए को उठाकर अपनी भारतीय संस्कृति को उठाएं। तो भैया, भारतीय संस्कृति को उठाने से पहले ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। ध्यान रखिए, उठाने से पहले कि कहीं आप ना गिर जाएं। अब बताते हैं हम आपको कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी को अभी खरीदना चाहिए, यानी कि हमें क्रिप्टो करेंसी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक सलाह आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो नई नई जानकारी मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलेंगी, नुकसान ना होगा कभी भी आपका। अब बहुत सारी वीडियोज हैं, लगभग 600 वीडियो डाल दी हैं आप लोगों के लिए। तो अब सुनिए हमारी बात कि क्रिप्टो पे क्या होगा। देखो भैया, ऐसा है कि क्रिप्टो पर बजट आ गया, हमने एक वीडियो भी बना दी, लीगल है या इलीगल है, और आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो देख जरूर लेना। अब मैं उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा दोबारा से आपको, नहीं तो फिर आप वो वीडियो तो देखोगे नहीं मेरी। तो चलिए, अब भैया ऐसा है कि चूंकि गवर्नमेंट अपने रूल लेकर के आने वाली है क्रिप्टो के ऊपर, आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर के आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक नियम कानून के तहत ही लेकर के आएगी। अभी तो क्रिप्टो का क्या है, जिसे देखो वो क्रिप्टो चला रहा है। मेरी अपनी जानकारी में आप विश्वास नहीं करेंगे, 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्रिप्टो चला रखी है। आईटी के एक्सपर्ट हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिप्टो चला दी। तो भैया, ऐसे आदमियों का भरोसा कर पाओगे क्या? सरकार ने पता नहीं कल क्या नियम बना दिया, कहीं कल को सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि ये आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, और ये जो क्रिप्टो वाले भाई साहब हैं ये रजिस्ट्रेशन नहीं करते, तो क्या हो गया, इनकी क्रिप्टो क्या हो जाएगी, इल्लीगल। उस केस में नुकसान कौन उठाएगा, आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अब यदि सरकार ने नियम बना दिए तो फिर जरूरी होगा कि हर कंपनी को उन नियमों का पालन करना हो, और जो कंपनी उन नियमों का पालन नहीं करेंगी वो क्या हो जाएंगी, इल्लीगल हो जाएंगी। अब हमें तो ये पता नहीं है ना कि कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसके हमने क्रिप्टो खरीदे वो सरकार के रूल्स को फॉलो करेगी या नहीं करेगी, और नहीं कर पाई तो आपके सारे पैसे। तो भैया, इस बात से तो हमें बचना है। तो हमारी आपको ये सलाह है कि अभी आप कुछ समय इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए और देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है, सरकार क्या नियम लेकर के आती है क्रिप्टो से रिलेटेड, और उसके बाद जो कंपनी उनके रूल्स को माने, जो सरकार के नियम कायदे कानून को माने, उनके साथ ही तो काम करो ना भैया, नहीं तो फ्रॉड कंपनियों के साथ थोड़ा पैसा लगाना है हमें अपना। तो हमारी सलाह मानिए, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी पैसा मत लगाइए, पैसा मेहनत से कमाया हुआ है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।